वेलकम टू स्पेशल एपिसोड ऑफ सिंह आउट जोन। दोस्तों, आखिरकार ओकिनावाई प्रेस का फाइनल प्राइस और स्पेसिफिकेशन क्लियर हो गई हैं, तो आज हम कंपेयर करेंगे नई वाली और जो पहले थी पुरानी वाली, इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं ओवरऑल कि इनमें जो इतना प्राइस का फर्क पड़ा है तो उसके बदले में हमें क्या नया मिला है, क्या उसमें अच्छे फीचर्स थे या क्या इसमें अच्छे फीचर्स है, बिल्कुल सारा क्लियर होने वाला है। बने रहिए वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए जल्दी से और वीडियो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। बिल्कुल दोस्तों, आज हम कंपेयर करने वाले नई और पुरानी वाली ओकिनावा प्रेस या आई प्रेस को। यहाँ बिल्कुल पहली वाली तो आप जानते हैं कि लेड एसिड बेस्ड थी और नई है ये लिथियम आयन बैटरीज डिटैचेबल ऑप्शन के साथ अवेलेबल है। मीन्स आप कहीं पर भी इसको ले जाकर चार्ज कर सकते हो, सिंपल 5 एम्पीयर सॉकेट के साथ चार्ज हो जाएगी। बात करें दोस्तों इसके बाद, और यहाँ इसकी जो पावर भी बढ़ाई गई है, पहले 2.5 किलोवाट की बैटरी सेटअप था बट इस बार 2.9 किलोवाट की बैटरी आपको मिल रही है लिथियम आयन। बात करें मोटर की, सेम 1000 वाट की पावर मिलेगी आपको और जो वोल्टेज है वो भी 72 वाट की है। फर्क पड़ेगा यहाँ पर उसकी स्पीड और रेंज में। स्पीड जो जहां पहले 75 मैक्सिमम थी, यहाँ बिकॉज ऑफ लिथियम आयन बैटरी जो इसका वेट कम हुआ है ओवरऑल स्कूटर का, उससे जो इसकी थोड़ी स्पीड में फर्क आपको मिलेगा। कंपनी ने वैसा कुछ नहीं किया बट ऑन प्रैक्टिकल आपको थोड़ा फर्क मिलेगा इनकी टॉप स्पीड में। वही बात कर रेंज की, रेंज भी बिल्कुल दोस्तों कंपनी 160-180 क्लेम कर रही है बट बिकॉज ऑफ लाइट वेट यहां भी आपको फर्क मिलेगा देखने को। ज्यादा फर्क पड़ा है दोस्तों इनके, यहाँ एक नेगेटिव पॉइंट की बात पहले कर लेता हूं। पुराने वाले में जहां हमें 19 लीटर की बूट स्पेस मिलती थी बट इस बार सिर्फ और सिर्फ 7 लीटर की स्पेस मिल रही है, जिससे आई थिंक एक हेलमेट भी नहीं रखा जाएगा। रीजन यह है कि बैटरी थोड़ा साइज बड़ा है और इसको सीट के नीचे पोजीशनिंग दी गई है, तो ऐसे में उसके लिए स्पेस कम हो गई है बूट स्पेस। तो हम ये एक नेगेटिव पॉइंट है बिल्कुल इस स्कूटर का, नए वाले स्कूटर का आई प्रेस का। वहीं जो पुराने में बिल्कुल वही हमें अच्छी खासी 19 लीटर की बूट स्पेस है, जिसमें हेलमेट के अलावा और भी काफी कुछ सामान रखने के लिए जगह बच जाती है। दोनों में रिवर्स गियर की ऑप्शन है, हमको इनके फीचर्स की बाद में बात करेंगे। अब बात करते हैं और ग्राउंड क्लीयरेंस की यहां पर, क्योंकि अब पहले जो बैटरी थी वो फुटमैट के नीचे थी, इस वर्ष उठाकर सीट के नीचे दी गया, तो इसमें जो ग्राउंड क्लीयरेंस है वो भी बड़ी है। पहले हमें मिलती थी दोस्तों 170, तो इस बार मिल रही है हमें 175 एमएम की ग्राउंड क्लीयरेंस मिल रही है। चार्जिंग जहां पहले 6-7 घंटे में होती थी, इस बार 2-3 घंटे में लिथियम आयन में, वो भी सिंपल 5 एम्पीयर सॉकेट, कोई हैवी प्रॉपर हाईफाई सेटअप नहीं चाहिए। सिंपल कोई घर में जो लाइट पावर पॉइंट होता है, 5 लाइट सॉकेट होती है 5 एम्पीयर 6 एम्पीयर, उससे आप कहीं भी रखकर इसको घर में, ऑफिस में, जिम में, कहीं भी चार्ज कर सकते हो। बहुत अच्छा फीचर्स दिया गया है। एक और बात करते हैं इसके जो फुट मैट, पहले बिल्कुल बेसिक सा ब्लैक कलर का था बट इस बार जो फुट मैट है डिजाइनर दिया है। आपके जो कलर आप जो भी चूज करोगे, 3 कलर मिलते हैं इसमें, ग्रीनिश, रेडिश और सिल्वर, तो उसके साथ का मैचिंग आपको फुट मैट मिलेगा जो कि देखने में बड़ा प्रीमियम फील होता है। ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट बनाया गया है। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं फीचर्स की, लास्ट में प्राइस की बात करेंगे। फीचर्स में जहां हमें पहले एंटी थेफ्ट अलार्म, स्मार्ट पार्किंग, फाइंड माय स्कूटर जैसे ऑप्शंस मिल रहे थे, इस बार फीचर्स की लिस्ट बहुत लंबी है। बिल्कुल मोबाइल ऐप बेस्ड फीचर्स रहेंगे, मींस आपको प्ले स्टोर से एक इनकी ओकिनावा इको साइट है वो डाउनलोड करनी पड़ेगी। जब स्कूटर खरीदोगे तब आपको एक कोड दिया जाएगा, उसके बाद ये साइट, ये जो ऐप है एक्टिवेट हो पाएगी। डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट एक्टिवेट तभी होगी जब आप इसको परचेज करोगे, आपको जो एक पर्टिकुलर रिलेटेड कोड डीलर से मिलेगा। फीचर्स में दोस्तों जियो फेंसिंग, रिमाइंडर्स, बैटरी इन्फो, स्पीड अलर्ट्स, ड्राइवर स्कोर, फाइंड माई स्कूटर, ट्रिप हिस्ट्री, सिक्योर पार्किंग, SOS जैसे हाई एंड फीचर्स शामिल है। यहाँ प्राइस का काफी फर्क पड़ गया है, तकरीबन 40-45 हजार। पहले जहां आफ्टर सब्सिडी ये आई थिंक 80,000 के आसपास प्राइस पड़ रहा था, बट यहीं अब ये इसका एक्चुअल प्राइस तो 1,37,000 है, 22,000 सब्सिडी के पास 1,15,000 इसका एक्सशोरूम प्राइस है। वहीं इसका इंश्योरेंस और आरसी चार्जेस स्टेट टू स्टेट जो डिफर करता है वो अलग रहेगा। तो दोस्तों ये था इनका कंपैरिजन ओवरऑल, मैंने इसमें सभी फीचर्स आई थिंक कवर कर लिए। कोई अगर रह गया तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, मुझे खुशी होगी। आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों और जय हिंद।